संत कुमार ऋषि हरिद्वार आनंद घाट पहुंचते हैं, व्यासपीठ लगती है, विराजमान होते हैं व्यासपीठ पर। अब ये बात चारों ओर हवा की तरह फैल गई कि संत सनंदन सनातन संत कुमार चारों ऋषि भागवत कहेंगे, तो सब ऋषि मुनि देवता लोग वहां पर उपस्थित हो गए कथा सुनने के लिए। भक्ति महारानी ज्ञान और वैराग्य भी वहां पर उपस्थित हो गए। मुख्य यजमान देवऋषि नारद जी महाराज बने कथा के लिए। देखो, कथा का यजमान बनना भी परम सौभाग्य की बात है। कथा सब लोग करवा नहीं सकते, सब लोग सुन नहीं सकते, और कथा का मुख्य यजमान बनना भी सबके बस की बात नहीं है। भगवान की जिसके ऊपर कृपा हो वही कथा में यजमान बन सकता है। धन तो लोगों के पास बहुत है, धन की कमी नहीं है, लेकिन कथा तो वही करवा सकता है जिसके ऊपर भगवान सच्चिदानंद की अपार कृपा है। यजमान तो वही कथा का बन सकता है। भाग्य उधे ना बहु जन्म समर्जिते ना, जिसका भाग्य उदय हो, पूर्व जन्म के पुण्य उदय हो, वही कथा का यजमान बनता है।